बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। पैराशूट कोकोनट ऑयल की इस बोतल से आप सभी लोग वाकिफ हैं। इस कोकोनट ऑयल को क्या आप लोग जानते हैं कि एडिबल ऑयल की तरह प्रमोट किया गया था, लेकिन लोगों ने क्या करा, इसको एज अ हेयर ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आज एक हेयर ऑयल की तरह यूज होता है। लेकिन अगर आज इसका आप लेबल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है इट इज एन एडिबल ऑयल। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कोकोनट ऑयल का वो मैजिक कि कितना ज्यादा वर्सेटाइल है, कितना ज्यादा मैजिकल ऑयल है और किस किस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी सीजन में इसको यूज कर सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के, टू हैव सो मेनी डिफरेंट बेनिफिट्स। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करेंगे और बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह आप लोग अचीव कर पाएंगे। आइए जानते हैं व्हाट कैन बी डन विद दिस ऑयल। एक ही ऑयल बहुत सारे काम करता है और पैसे भी आप लोगों के बचने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि नारियल के तेल की तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो सर्दियों के मौसम में जरा सा लोग इसको ध्यान से ही यूज करें, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल ठीक रहता है। और मगर इसकी तासीर ठंडी होती है, जिन लोगों को मसला है, ठंडी तासीर के लोग हैं, जल्द नज़ला बुखार जुकाम हो जाता है, तो वो लोग थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज एवरीबडी एंड एनीबडी कैन यूज इट, कोई भी इशू इंशाल्लाह नहीं आएगा। हैक नंबर वन, बेस फॉर इन्फ्यूजन ऑयल। भाई अपने चैनल पर मैंने इतने सारे ऑयल प्रिपेयर करे और उनमें से ज़्यादातर का बेस मैंने कोकोनट ऑयल रखा है। और वो मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ऑयल है, बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट ऑयल है, फ्रूट बेस्ड ऑयल है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आसान है, इसको रिमूव करना बहुत आसान है, इसके अंदर इन्फ्यूजन करना बहुत आसान है, इसको किसी के अंदर इन्फ्यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है। आई मीन इट्स सो सिंपल एंड सो लाइट ऑयल, सिंपली शैम्पू करने से ये ऑयल आराम से आपके बालों से निकल जाता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हैक ये है कि आप लोग इसको एज अ बेस ऑयल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। हैक नंबर टू, इट्स क्यूटिकल एंड लिप सॉफ्टनर। भाई आपके अगर क्यूटिकल्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं और आप लोग इसको छील देते हैं, तकलीफ होती है, परेशान ना होइए भाई, आप लोगों ने सिंपली कोकोनट ऑयल अपने क्यूटिकल्स पर अप्लाई कर लेना है। बहुत ज़्यादा महंगे हज़ारों रुपये के आते हैं क्यूटिकल ऑयल और क्यूटिकल क्रीम्स, सिंपली आप लोगों ने कोकोनट ऑयल अपने क्यूटिकल्स पर अप्लाई करना है और क्यूटिकल की ड्राइनेस को बाय बाय कहना है। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है, आपके क्यूटिकल्स को फटने से, नोचने से, उखड़ने से बचाएगा और साथ साथ स्टिफ भी रखेगा। और अगर लिप्स की बात करें तो लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्टनर है। लिप्स पे अगर रिंकल्स आ रहे हैं अराउंड योर लिप्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों ने इसका मसाज करना है और प्रॉपर मसाज करने से जो रिंकल्स, जो लाइनें आ जाती हैं आपके लिप्स पर सर्दियों में, वो मुकम्मल चले जाते हैं और जो डार्कनेस आ जाती है अराउंड योर लिप्स, जो डार्क हो जाता है माउथ एरिया कुछ लोगों का, तो वो भी डार्क नहीं रहता है, विजिबल आप लोगों को रिजल्ट्स नजर आते हैं। लेकिन ये कॉमेडोजेनिक होता है, पोर्स के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से वाइप ऑफ करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसको यूज़ करने के बाद आप लोगों किसी भी तरह का कलर करेक्टर, लिप सॉफ्टनर, अला बला कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन डू इट अलोन इंशाल्लाह। हैक नंबर थ्री, मेकअप रिमूवर। अगर आप लोगों के पास मेकअप रिमूवर मिसिंग है, कोकोनट ऑयल कुड बी जस्ट द सोल्यूशन, क्योंकि ये सारे मेकअप को पिघला देता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। लेकिन क्योंकि आई टोल्ड यू इट इज़ कॉमेडोजेनिक, तो इसके बाद लाजमी 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 दो बार अच्छे से आप लोगों ने किसी भी फेस वॉश से अपने फेस को लाजमी वॉश करना होगा। भाई देखिए क्लिनजिंग तो इसने अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी कर दी, अब इसको भी हटाना है तो वो हटाएगा फेस वॉश मजबूरी के तौर पर। आप लोग अगर आप लोग के पास कोई मेकअप रिमूवर नहीं है तो इसको यूज कर सकते हैं। हैक नंबर फोर, स्पोलिंग ऑयल। देखिए वैसे तो पुल ऑयल के लिए सेसमी ऑयल और दूसरे बहुत सारे ऑयल फेमस हैं, यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीप भी है, अफोर्डेबल भी है और क्योंकि इसमें मिठास होती है तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पुलिंग ऑयल। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके दांत एकदम चमक से जाएंगे। ये एज अ पुलिंग ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कोई सस्ता और जुगाड़ू चीज़ बताई है मैंने आप लोगों को।
हेयर ऑयल स्पा। अगर आप लोगों ने कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म या नीम गर्म कर लिया, या फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, या डबल विम मेथड से गर्म कर कर रात को अपनी जड़ों पर अच्छे से लगा कर बहुत ज़्यादा अच्छे से चंपी करी मसाज करा और लेंथ पर भी अच्छे से मसाज किया, तो एनदर लेवल का हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा या आप लोगों को एनदर लेवल पर जाकर आप लोग फील करेंगे कि आप लोग ने कोई स्पा करवाया है। इन करें आप लोग जल्दी जल्दी ऑयल लगाते हैं, जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, धो देते हैं, खत्म देते हैं कहानी, किस्सा खत्म, कि असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने इसको सीरियसली लिया और सीरियसली अप्लाई कर लिया ना, गर्म कर कर, और आप बाथ टॉवल बांधा, बाथ टॉवल को वेट करा, उसको निचोड़ा और हेयर ऑयल के ऊपर इसको बांध लिया गरम गरम, या फिर माइक्रोवेव में टॉवल को गरम करके ऑयल के ऊपर बांध लिया, यकीन करें आप भूल जाएंगे किसी भी किस्म का स्पा करवाने से, किसी भी किस्म का प्रोटीन ट्रीटमेंट हेयर्स को करवाने से। इतने बेहतरीन रिजल्ट्स ये आपको देगा, लिख कर दे रही हूँ, दिस इज़ द मैजिक। बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा आपके हेयर्स को। कोई बात नहीं, अब तक ट्राई नहीं किया, इस वीकेंड ट्राई कर लेना। लास्ट हैक नंबर 6 बट नॉट लीस्ट, देखिए ये हेयर ऑयल बहुत सारे मैजिक और भी कर सकता है कोकोनट ऑयल, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए बस 6 ही लेकर आई हूँ। कि अगर मैंने 6 से ज़्यादा शेयर करे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों का हाथ जल जाता है, बार बार मेरी तरह हाथ जला लेते हो, तवे से हाथ जला लेते हो, बड़े बड़े बर्न्स हो जाते हैं, बड़े बड़े स्कार्स हो जाते हैं, बड़े बड़े जले हुए निशान आप लोगों के हाथों पर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, तो आजमा कर देखना अपने स्कार्स पर, अपने निशानात पर, अपने जले हुए बर्न्स पर लगाना और बहुत ज़्यादा अच्छे से जेंटली उसका मसाज करना। यकीन करो कुछ ही दिनों में आप लोगों ने ऐसा करना है, रोज़ाना करना है, चला जाएगा। लेकिन एक टेक्निक कर लेना, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया, उसमें थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी, देसी हल्दी मिलाई और उसको धूप में रख दिया। 2-3 दिन के लिए उसको धूप में रख दिया, एक बॉटल में बना के रख लें। जब भी जला, अगर जलाते रहते हो मेरी तरह, या कट लगा, तो अच्छे तरीके से इसका मसाज करते रहेंगे करते रहेंगे, आपका स्कार्स बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर होने लगेंगे। आजमा के देख लेना। जब भी यूज़ करना है बॉटल को शेक कर लिया करें और उसके बाद यूज़ करें, बनाकर किचन में रख लें, ड्रेसिंग पर रख लें। बिलीव मी, आप लोगों के सीवियर स्कार्स भी इससे जाने वाले हैं। रियली होप इनमें से आप लोगों को कोई हैक नया लगा हो, अपने लिए बेनिफिशियल लगा हो, जो आप लोग अपने लिए ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, तो लाजमी लाजमी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और किसी को फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो की नीड हो तो लाजमी लाजमी शेयर कर देना। लेकर आती रहूँगी इसी तरीके की वीडियोज़ और रेमेडीज़ जिससे आप लोगों की स्किन, हेयर्स और हेल्थ अच्छी हो। दिस इज नादिया मुज़म्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपने खास याद। बाय बाय।